आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक डायरेक्टर के 10 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। खास बात तो ये है कि उसी बाबू के यहाँ साल 2009 में भी ACB ने छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति बरामद की थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने केस चलाने की इजाजत नहीं दी और उसे उसके पद पर फिर से बैठा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 8 सालों में फिर से उसने करोड़ों का भ्रष्टाचार कर डाला। हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के पुरुषोत्तम रेड्डी के 10 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक साथ छापा मारा। पुरुषोत्तम रेड्डी और उसके भाई का घर बंद मिला, लेकिन बाकी 8 ठिकानों से ही 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है। इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ACB पकड़े गए भ्रष्ट अफसर के खिलाफ केस चलाना चाहती है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी इजाजत ही नहीं दी। इतना ही नहीं, उसे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल सिटी प्लानर के पद पर भी बहाल कर दिया। भ्रष्ट बाबुओं को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही नहीं किया, बल्कि तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव की TRS सरकार भी भ्रष्ट बाबुओं को बचाने में लगी हुई है। साल 2015-16 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए 10 अफसरों के खिलाफ केस को राज्य सरकार बंद करा चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन सभी 10 मामलों में सरकार से केस चलाने की इजाजत मांगी थी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।